गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक और आज हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा वर्ग की। हम बात कर रहे थे एनिमेलिया, जो विटेकर ने 5 जगत दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जिसमें से हमने लास्ट के तो 2 जगत हैं उनको और आगे भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्लांटी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, एनिमेलिया जो जगत है उसके अंदर आज हम लास्ट बात करेंगे वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा वर्ग है उसमें उन जीवों को रखा गया है जिनमें कशेरुक दंत पाई जाती है, त्रिकोर की होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं और इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। तो यहाँ पे वर्टिब्रेटा वर्ग की जो विशेषताएं हैं, इनके कई लक्षणों के आधार पर इनको 5 अलग अलग और वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे एक हम साइक्लोस्ट्रोमेटा के बारे में भी पढ़ेंगे। साइक्लोस्ट्रोमेटा की जो जीव होते हैं इनमें जबड़े नहीं पाए जाते, ये जबड़े रहित होते हैं, साथ ही ये जो है इल के आकार के होते हैं और लंबा इनका जो शरीर होता है वो लंबा बेलनाकार होता है। जो त्वचा होती है वो सल्क रहित होती है, त्वचा पे सल्क नहीं पाए जाते हैं। मोस्टली ये जो होते हैं ये बाह्य परजीवी होते हैं, दूसरे जंतुओं पर जो है भोजन के लिए निर्भर करते हैं, अपना खाना उनसे प्राप्त करते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेट्रोमाइसोन, जो है इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा के 5 जो वर्गों की। सबसे पहला आता है मत्स्य वर्ग, यानी सिंपल सा है मछली वर्ग। जो है मत्स्य वर्ग में लगभग जितनी भी मछलियाँ हैं वो पाई जाती हैं, इसमें शामिल हैं। और मछलियों, अगर हम मत्स्य वर्ग की विशेषताएं देखें तो मत्स्य वर्ग की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि इस वर्ग के जो जीव होते हैं, यानी मोस्टली सब मछलियां ही हैं इसमें, इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, यानी नाव के आकार का होता है, जो कि जल में इनकी तैरने में सहायता करता है। इसी के साथ इनका जो हृदय होता है वो द्विकोष्ठीय होता है, इसमें एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। और इनमें जो ये जो जीव होते हैं मत्स्य वर्ग के, ये असमतापी प्राणी होते हैं, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो ये असमतापी प्राणी होते हैं। अगर हम शार्क की बात करें, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कंकाल केवल और केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे कि शार्क है, और अन्य कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें कंकाल जो है वो अस्थियों का बना होता है। अगर हम मत्स्य वर्ग के जीवों की विशेषताएं देखें तो ये असमतापी होते हैं, धारा रेखीय इनका शरीर होता है। कुछ मछलियां जो होती हैं वो केवल उपास्थि की बनी होती हैं, अन्य मछलियां जो होती हैं वो अस्थियों की बनी होती हैं। शरीर पर कई सारे शल्क पाए जाते हैं, हृदय जो होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक और आज हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा वर्ग की। हम बात कर रहे थे एनिमेलिया, जो विटेकर ने 5 जगत दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जिसमें से हमने लास्ट के तो 2 जगत हैं उनको और आगे भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्लांटी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, एनिमेलिया जो जगत है उसके अंदर आज हम लास्ट बात करेंगे वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा वर्ग है उसमें उन जीवों को रखा गया है जिनमें कशेरुक दंत पाई जाती है, त्रिकोर की होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं और इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। तो यहाँ पे वर्टिब्रेटा वर्ग की जो विशेषताएं हैं, इनके कई लक्षणों के आधार पर इनको 5 अलग अलग और वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे एक हम साइक्लोस्ट्रोमेटा के बारे में भी पढ़ेंगे। साइक्लोस्ट्रोमेटा की जो जीव होते हैं इनमें जबड़े नहीं पाए जाते, ये जबड़े रहित होते हैं, साथ ही ये जो है इल के आकार के होते हैं और लंबा इनका जो शरीर होता है वो लंबा बेलनाकार होता है। जो त्वचा होती है वो सल्क रहित होती है, त्वचा पे सल्क नहीं पाए जाते हैं। मोस्टली ये जो होते हैं ये बाह्य परजीवी होते हैं, दूसरे जंतुओं पर जो है भोजन के लिए निर्भर करते हैं, अपना खाना उनसे प्राप्त करते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेट्रोमाइसोन, जो है इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा के 5 जो वर्गों की। सबसे पहला आता है मत्स्य वर्ग, यानी सिंपल सा है मछली वर्ग। जो है मत्स्य वर्ग में लगभग जितनी भी मछलियां हैं वो पाई जाती हैं, इसमें शामिल हैं। और मछलियों, अगर हम मत्स्य वर्ग की विशेषताएं देखें तो मत्स्य वर्ग की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि इस वर्ग के जो जीव होते हैं, यानी मोस्टली सब मछलियां ही हैं इसमें, इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, यानी नाव के आकार का होता है, जो कि जल में इनकी तैरने में सहायता करता है। इसी के साथ इनका जो हृदय होता है वो द्विकोष्ठीय होता है, इसमें एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। और
इनमें जो ये जो जीव होते हैं मनुष्य वर्ग के, ये असमतापी प्राणी होते हैं, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो ये असमतापी प्राणी होते हैं। अगर हम शार्क की बात करें, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कंकाल केवल और केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे कि शार्क है, और अन्य कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें कंकाल जो है वो अस्थियों का बना होता है। अगर हम मत्स्य वर्ग के जीवों की विशेषताएं देखें तो ये असमतापी होते हैं, धारा रेखा इनका शरीर होता है। कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो केवल उपास्थि की बनी होती हैं, अन्य मछलियाँ जो होती हैं वो अस्थियों की बनी होती हैं। शरीर पर कई सारे शल्क पाए जाते हैं, हृदय जो होता है, इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, और हृदय जो होता है वो दो कोष्ठों में बटा होता है, एकालिंद और एक निलय। अगला हम बात करते हैं जल स्थलचर, जिसको एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। इसमें जो जीव आते हैं वो जल और स्थल दोनों स्थानों पर ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें जल स्थलचर कहा जाता है। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब वे जीव जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं वो उभयचर होते हैं। जो जल स्थलचर वर्ग है वर्टिब्रेटा का, उसकी जीवों की विशेषता ये होती है कि जब ये जल में होते हैं तो ये जो गिल्स होते हैं उनसे श्वसन करते हैं, जब ये बाहर होते हैं तो इनमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, यानी जो जल स्थलचर होते हैं उनमें सांस लेने के लिए, श्वसन की क्रिया के लिए क्लोम भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं, और ये त्वचा के द्वारा भी श्वसन करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें हृदय की, तो जल स्थलचर जो होते हैं इनका हृदय त्रिकोष्ठीय होता है, जिसमें दो आलिंद और एक निलय पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जल स्थलचर में एक अपवाद है, मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो हृदय है वो चार कोष्ठीय होता है, जबकि जल स्थलचर के जो जीव होते हैं उनका हृदय त्रिकोष्ठीय होता है, तीन कोष्ठ होते हैं, दो आलिंद और एक निलय। तो जल स्थलचर के जो जीव होते हैं इस वर्ग के, इनमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव करती हैं। ये जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल है मेंढक है, सेलामेंडर है, टॉड है, ये सारे के सारे जल स्थलचर के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरीसृप वर्ग की। इसमें उन वर्टिब्रेट यानी उन वर्टिब्रेट के जीवों को रखा गया है जिनके अंदर जो कि रैंकर चलते हैं, जैसे कि हम बात करें सांप की। तो यहाँ पे सरीसृप वर्ग जो होता है उसके जीव रैंकर चलते हैं, इनमें उत्सर्जन की क्रिया के लिए वक्र पाए जाते हैं, और जो जल स्थलचर जीव होते हैं इनमें भी उत्सर्जन के लिए वक्र पाए जाते हैं। तो सरीसृप वर्ग के जीव रैंकर चलते हैं, इनमें उत्सर्जन के लिए वक्र पाए जाते हैं। ये मोस्टली जो है अंडे देते हैं, और वो अंडे जो है वो कठोर आवरण से घिरे हुए होते हैं, जो कठोर आवरण उन अंडों की सुरक्षा करता है। इसी के साथ इनका जो हृदय होता है वो तीन कोष्ठीय होता है, दो आलिंद और एक निलय। लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे जल स्थलचर और सरीसृप इन दोनों वर्ग के जीवों में उत्सर्जन के लिए वक्र पाए जाते हैं, यानी किडनी में होती है। अगला वर्ग है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में सभी पक्षियों को शामिल किया गया है। वर्टिब्रेटा के अंदर जितने भी पक्षी आते हैं वो सारे पक्षी वर्ग में शामिल किए गए हैं। इनकी जो विशेषताएं होती हैं, इनका जो हृदय होता है वो चार कोष्ठीय होता है, जिसमें दो आलिंद और दो निलय इसमें इनमें पाए जाते हैं। इनकी जो हड्डियां होती हैं वो एकदम खोखली होती है अंदर से, जिससे कि इनका वजन कम हो और उड़ने में सहायता इनकी हो सके, ये इनका एक अनुकूलन भी है। इनकी जो पूंछ होती है पक्षियों की, वो इनकी जब ये उड़ते हैं तो दिशा निर्धारण के अंदर इनकी सहायता करती है। पक्षी जो होते हैं इनका हृदय चार कोष्ठीय होता है, हड्डियां इनकी खोखली होती है, पूंछ जो होती है वो इनकी दिशा निर्धारण में, इनका संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करती है। इनके आगे के जो दो हाथ होते हैं वो पंखों के रूप में बदले हुए होते हैं, और ज्यादातर जो पक्षी होते हैं वो अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। तो ये हो गई पक्षी वर्ग की विशेषताएं। अगर हम पक्षी वर्ग के उदाहरण देखें तो कबूतर, चिड़िया, मोर, ये सारे के सारे जो हैं वो पक्षी वर्ग के उदाहरण हैं। लास्ट हम बात करते हैं स्तनपाई यानी मैमेलियन की। इन पांचों वर्ग के नाम मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ। मत्स्य वर्ग को पिसीज वर्ग भी कहते हैं। जल स्थलचर को कहते हैं एम्फीबिया। सरीसृप वर्ग है ये होता है रेप्टाइल, और पक्षी वर्ग है उसे कहते हैं एविज वर्ग, और जो स्तनपाई जो होते हैं इनको कहते हैं मैमेलियन। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम आते हैं वर्टिब्रेटा के इस मैमेलियन ग्रुप के अंदर, यानी स्तन जो धारी होते हैं, स्तनपाई जो जीव होते हैं
वो इस कैटेगरी में आएंगे। स्तनपायवर्ग की जो जीवों की विशेषताएं होती हैं, वो सबसे मुख्य विशेषता ये होती है कि ये जो है जरायुज जीव होते हैं, यानी ये अंडे नहीं देते हैं और ये सीधे ही बच्चे उत्पन्न करते हैं, और इनमें बच्चों को दुग्धपान कराने के लिए स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है, एकिडना और कंगारू की अगर हम बात करें, स्तनधारी वर्ग के अंदर जो जीव होते हैं वो जरायुज होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, अंडज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी है, एकिडना जो है स्तनधारी वर्ग में आता है लेकिन ये अंडे देता है, और अगर हम कंगारू की बात करें तो कंगारू जो है अर्धविकसित जो बच्चा है उसको जन्म देता है, और उसके बाद इसकी जो थैली होती है, इसके शरीर के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको मार्सुपियन थैली कहते हैं, ये इस अर्धविकसित बच्चे को इस थैली में रखता है और जब तक इसका पूर्ण विकास नहीं हो जाता, और जब इसका पूर्ण विकास हो जाता है तो वह इससे इसको बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पे स्तनपायी वर्ग के अंदर दो जो अपवाद मैंने आपको बताया, एकिडना और कंगारू, जो कि इसके अंदर अपवाद है लेकिन आते वो स्तनधारी वर्ग के अंदर ही है। तो स्तनधारी वर्ग की जीवों की विशेषताएं होगी कि ये जरायुज होते हैं, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसी के साथ ही इनका जो हृदय होता है वो चार कोष्ठीय होता है, दो आलिंद और दो निलय। अगर हम अपनी बात करें तो हम इसी में आ रहे हैं, और हमारा जो हार्ट होता है उसके चार चैम्बर होते हैं, दो आलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं, समतापी प्राणी होते हैं ये, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है, कंडीशन चाहे कैसी भी हो, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स ही रखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें गाय, बिल्ली, घोड़ा, मनुष्य जो हैं वो इस वर्ग के अंदर आते हैं। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि वर्टिब्रेटा वर्ग जो है इसके पांचों और उपवर्ग जो हैं, मत्स्य वर्ग, जलस्थलचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, इन पांचों की आपको विशेषताएं लिखनी है चार चार, और पांचों का एक एक डायग्राम बनाना है। हाँ, जैसे मत्स्य वर्ग में किसी मछली का डायग्राम आप बना सकते हो, जलस्थलचर में मेंढक का डायग्राम, सरीसृप वर्ग में सांप का डायग्राम, पक्षी वर्ग में किसी भी एक पक्षी का डायग्राम, और स्तनधारी वर्ग में किसी भी स्तनधारी जीव का नाम जो डायग्राम है आप बना सकते हैं, और इन पांचों वर्गों की आपको चार चार विशेषताएं लिखनी है। थैंक यू।